बसमिल्ला रहीम टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फोरेंसिक मेडिसिन तो आज के इस वीडियो के अंदर फायर आम इंजरी को कवर करने वाले हैं तो फायर आम इंजरी के ऊपर पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसके अंदर मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था उस वीडियो के अंदर हमने बैलिस्टिक की डेफिनेशन को पढ़ा था फायर आर्म के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ा था इसके क्या क्या पार्टस होते हैं इंटीरियर बैलिस्टिक के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की थी तो इस वीडियो में हम एक्सटीरियर बैलिस्टिक से स्टार्ट करने वाले हैं टू बी ऑनेस्ट जो एक्सटीरियर बैलिस्टिक होता है रिलेटिवली अनइंपॉर्टेंट है इसमें से जो

आई थिंक हम एक्सटीरियर बैलिस्टिक और फायर आर्म को कवर कर लेंगे तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर 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 से तो एक बैलिस्टिक बैलिस्टिक के के अंदर अंदर आप पढ़ते हैं। के अंदर जो प्रोजेक्टाइल होता है जब वो मुजल एंड से निकल जाके निकल चला जाता है लेकिन अब इसने टारगेट को हिट नहीं किया तो इस पूरे इंटरवल को या इस पूरे सफर को हम बोलते हैं एक्सटीरियर या इंटरमीडिएट बैलिस्टिक ओके तो एक्सटीरियर बैलिस्टिक के अंदर जब वो प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट होती है फ्रॉम द मुजल एंड अंटिल द टारगेट तो इस तमाम फ्लाइट के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है कुछ फोर्सेस प्रोजेक्टाइल मोशन से डिराइव होती है लाइक प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी से होती है जो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करती है यानी कि फोर्स ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल की है एक फोर्स ऑफ मीडियम के अंदर एक्सटेंड करती है फॉर एग्जाम्पल जो एयर रेजिस्टेंस होती है जो नेगलिजिबल होती है और तीसरा होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो प्रोजेक्टाइल को अर्थ की तरफ शिफ्ट करती है यानी एक प्रोजेक्टाइल की फोर्स होती है जो टारगेट की तरफ जा रही होती है एक वो फोर्स होती है जो एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है लेकिन ये नेगलिजिबल होती है जो मीडियम के अंदर फोर्स होती है तीसरी वो फोर्स होती है जो अर्थ अपनी साइड पर या अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ठीक है तो वो वाली फोर्स जिसको ग्रेविटी बोलते हैं ये भी डेलेटिवली स्लाइट होती है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये अप्लाई नहीं होता अब प्रोजेक्टाइल ट्राइजेक्ट्री को देख लेते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल ट्राइजेक्ट्री होती है जो उसका पूरा पाथ होता है बिटवीन द एंट्री वोट एंड द एग्जिट ठीक है तो इस पूरे प्रोजेक्टाइल को या पूरे पाथवे को क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ट्राइजेक्ट्री या ट्रैक ऑफ इंजरी फिर रेंज ऑफ फायरिंग आ जाती है मुजर एंड से लेकर टारगेट के दरियान में जो जितना होरिजेंटल डिस्टेंस होता है इस होरिजेंटल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं रेंज ऑफ फायरिंग बोलते हैं जब भी मुजल एंड ऑफ फायर आर्म से प्रोजेक्टाइल शूट होता है तो प्रोजेक्टाइल के शूट होने के साथ ना सिर्फ प्रोजेक्टाइल निकलता है बल्कि इसके साथ साथ दूसरे कंपोनेंट्स भी निकलते हैं लाइक like, कुछ प्रोपेलेंट पार्टिकल्स होते हैं प्रोपेलेंट प्रोपेलेंट पार्टिकल्स होते होते हैं हैं चार्ज पार्टिकल जो गन पाउडर कुछ पार्शली बर्ंड होते हैं कुछ पार्शली बर्ंड होती है फ्लेम और हॉट एक्सप्लोसिव गैसेज होती है स्मोक और सूट होता है जो प्रोपेलेंट की कम्बेशन से प्रोड्यूस होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होती है जो प्रोपेलेंट की कम्बेशन से प्रोड्यूस होती है यानी स्मोक और सूट हो गया एक्सप्लोसिव गैसेज है नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स होते हैं कुछ पार्टिकुलर सॉरी प्राइमर ऐसे जी होती है लाइक प्राइमर के लाइट कंपाउंड एंटीमनी है, बेरियम है मेटल और मेटालिक पार्टिकल्स हैं और कुछ ग्रीजेस होते हैं ये कंपोनेंट्स होते हैं जो मुजल एंड ऑफ फायर आर्म से रिलीज होते हैं ठीक हो गया अब हम देख लेते हैं मुजल ब्लास्ट मुजल ब्लास्ट का मतलब क्या और मुजल फ्लैश का मतलब क्या है जैसे किसी ने अगर बंदूक चलाई है तो जैसे ही वो बंदूक चलाता है तो एक विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है जो मुजल ब्लास्ट की होती है और मुजल ब्लास्ट क्या होता है फायर करने के बाद जो धुआं प्रोड्यूस होता है वो धुआं क्या होता है असल में जो गैसेज होती है जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिलीज होती है तो उस गैस का रिलीज होना तो उसको बोलते हैं ब्लास्ट और उस गैस का जो विजिबल लाइट होती है तो इस विजिबल लाइट को मुजल फ्लैश बोलते हैं तो ब्लास्ट और मुजल फ्लैश आपको समझ आ गया होगा ब्लास्ट गैस विजिबल लाइट होती है अब तीसरी जो बैलिस्टिक है वो है वोट कॉम्प्लेक्स बैलिस्टिक ओके कॉम्प्लेक्स बैलिस्टिक अच्छा एग्जाम में कभी कभार आ जाता है कि जो रिवॉल्वर है पिस्टल है और राइफल है इनके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है यानी जो रिवॉल्वर है इससे जो प्रोजेक्टाइल या बुलेट निकलता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 600 से लेकर 900 फीट पर सेकंड होती है जबकि पिस्टल की 1200 टू तो 1400 तक होती है जबकि राइफल की होती है तकरीबन टू से लेकर थ्री की फुट पर सेकेंड ओके अब हम टर्मिनल या मैकेनिज्म ऑफ इंजरी को okay? पढ़ लेते हैं तो आपको कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है जैसे कोई मिजाइल या कोई प्रोजेक्टाइल होता है बॉडी को ट्रेवर्स करता है तो वो अपनी एनर्जी सॉरी के सॉरी या कुछ एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा अब उस एनर्जी के ट्रांसफर होने की वजह से हमें जो वोड नजर आता है वो लेशन और क्रशिंग के फॉर्म में नजर आएगा जितनी एनर्जी करेगा वो डिपेंड पास एनर्जी थी कितनी यानी एनर्जी कितनी थी ओके ठीक हो गया अब यहाँ पे कुछ फॉर्मुले लिखे हुए हैं लाइक अगर बुलेट है हैंड गन से फायर की गई है और लो के ऊपर प्रोपेल की गई है तो उसकी क्या होगी अगर लो है, तो एनर्जी भी लो होगी जब एनर्जी लो होगी तो एनर्जी का ट्रांसफर भी कम से कम होगा और जो इंजरी होती है वो वूंड के ट्रैक पर कन्फाइंड होती है लेकिन जो मिसाइल्स होते हैं बड़े बड़े मिजाइल होते हैं जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा है तो ये हाई वूंड क्रिएट करते हैं ठीक हो गया

क्ट्रिस्टिक्स होती है फायर आर्म इंजरी की वो डिपेंड करती है कि हमने कौन सा फायर आर्म यूज कर रही है कि शॉर्ट गन है या राइफल है या शेप और कंपोजिशन ऑफ राइफल को पर डिपेंडेंट होती है

तो ये एन निकाल लिया है तो जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी बता रहा था एट द मोजल एंड तो मैं ये वाला टेबल बता रहा था ओके तो ये है बुलेट और शॉर्ट चार्ज या फिर आप कह सकते हो कि फायर आर्म जो शॉर्ट गन है और दूसरी तरफ राइफल है इनके वोड में क्या फ़र्क होता है तो पहला है कैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्री वोन्ट जो नंबर ऑफ एंट्री वोट होते हैं बुलेट के केस में आलवे सिंगल होते हैं लेकिन शॉर्ट चार्ज में बहुत सारे छल्ले होते हैं लेड पैलेट्स होते हैं तो एंट्री वोट का नंबर ज़्यादा होता है शेप ऑफ एंट्री वोट जो एंट्री वोट होता है उसकी शेप बुलेट के केस में राउंड या ओवल होती है लेकिन जो शॉर्ट चार्ज होती है उसका जो पैटर्न होता है वो पैलेट्स के डिटर्मिन होता है नंबर है नंबर थ्री है साइज ऑफ एंट्री वोट जो बुलेट होती है यानी जो बुलेट के केस में जो वोट होता है वो डिपेंड करते तो उसका डायमीटर क्या है ठीक है ओके जबकि जो शॉर्ट चार्ज है वो डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ पैलेट से लेकिन रिलेटिवली देखा जाए तो जो साइज ऑफ एंट्री वोट होता है बुलेट के गेस में रिलेटिवली बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पैलेट्स इसके बाद है नंबर फोर मार्जिन ऑफ एंट्री वोट जो एंट्री uh, वोट होते हैं बुलेट के गेस में इन्वर्टेड होते हैं जबकि इसमें नॉन स्पेसिफिक होते हैं इम प्रिंट अराउंड एंट्री वोट जो इम प्रिंट होता है अराउंड एंट्री वोट के निशान छप जाता है ठीक है किसी uh, बुलेट का तो वो लेस प्रोमिनेंट होता है शॉर्ट चार्ज में रिलेटिवली कॉमन होता है इसकी बात है टेल फिनोमिना या टेल वैकोम इफेक्ट रिटेल बैग इफेक्ट है इसकी डेफिनेशन क्या होती है जब प्रोजेक्टाइल किसी बैरल में से पास करता है तो होता क्या है यानी जब प्रोजेक्टाइल किसी बैरल के अंदर होता है तो उसको लैटरल सपोर्ट मिल रही होती है साइडों से लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आना शुरू हो जाता है यानी जो ट्रैजेक्टरी का पाथ होता है उसको फॉलो करना शुरू कर देता है ओके यानी जो इसकी सपोज एक बुलेट है तो उसकी जो टिप होती है ठीक है ये टिप है और ये इसकी टेल है जो टिप होती है वो एक्सिस को तो फॉलो कर रही होती है लेकिन जो टेल होती है वो सर्कुलर मूवमेंट कर रही होती है इस तरह सर्कुलर मूवमेंट तो इस सर्कुलर मूवमेंट को जो कि ट्रैजेक्टरी के अराउंड होता है उसको बोलते हैं टेल बैक बैकविनोम ठीक है या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि

हम इस जगह पर थे ओके अब है स्पेशलाइज्ड इफेक्ट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स अंदर आ जाता है लाइक जो, जो राइफल्ड, राइफल्ड स्मूथ बोर वेपन है अब डिस्टेंस ट्रैवल है तो फिफ्टीन सेंटीमीटर और जो टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होते हैं छ इंच के बराबर होते हैं और बारह तो फुट बनता है ठीक है तो हम देख लेते हैं पहला इफेक्ट तो चाहे राइफल है चाहे समूथ बोर वेपन है तो उसकी गन के जो फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं दोनों में हीट कम्बेशन इफेक्ट करवा देगा अब हीट कम्बेशन इफेक्ट क्या होता है हीट कम्बेशन इफेक्ट गारमेंट्स के ऊपर कपड़ों पे होता है हेयर पे होता है अब कपड़ों पे क्या होगा कपड़ों पे पहला है आयरनिंग इफेक्ट दूसरा मेल्टिंग इफेक्ट और तीसरा बर्निंग इफेक्ट होता है आयरनिंग इफेक्ट ऐसा लगता है कि जैसे कपड़े किसी आयरन से इस तरीके से प्रेस हो गया तो उसको क्या बोलते हैं आयरनिंग इफेक्ट मेल्टिंग इफेक्ट मेल्टिंग इफेक्ट में ऐसा लगता है कि जो कड़े वो सिंथेटिक ऑरिजन के हैं मेट हो गया ओके और बर्निंग इफेक्ट में लगता है कि कपड़े नॉन सिंथेटिक नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं बर्न हो गया

अब गन स्मोक में पहला सूट पार्टिकल जो सूट पार्टिकल की एकोबुलेशन होती है स्पेसिफिकली स्मोक पार्टिकल की और जो लेड या मेटल किसी के भी हो सकते हैं तो उसकी डेपोजिशन को ब्लैकनिंग या समझिंग बोलते हैं ओके ब्लैकनिंग और समझिंग दोनों केस में होती है ओके ठीक है जो तो टैटविंग होती है टैटविंग को पेपरिंग बोलते हैं इसमें फाइन या कोर्स गन पाउडर पार्टिकल डेपोजिट होना शुरू हो जाती है स्किन के ऊपर और मार्क करना शुरू कर देती है इन दोनों को मिला के स्वयलिंग और वून कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां देखो तो पे देखोगे तो यहाँ एक एंट्री वुंड क्रिएट हुआ है उसके अराउंड कोई कॉलर क्रिएट हो गया है फिर उसके अराउंड एब्रियन कॉलर क्रिएट हो गया है और फिर टैटविंग है और ब्लैकनिंग देखने को मिलती है जो ब्लैकनिंग होती है वो स्मोक पार्टिकल के डेपोजिशन की वजह से होती है जो टैटविंग होती है पीपरिंग होती है ये फाइन गन पाउडर के डेपोजिशन की वजह से होती है इन दोनों को मिला दो तो स्वयलिंग बन जाता है और वुंड के अराउंड कोई ना कोई कॉलर होगा ठीक है ओके तो जो फाइन पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स पे कि पार्टिकल्स के गन पाउडर के जो फाइन पार्टिकल्स होती है उनसे क्या होता है उनसे ब्लैकनिंग होती है जबकि कोर्स पार्टिकल से रेलेटिवली हम टाइटविंग वगैरह क्या देते हैं ठीक है इसके बाद है गैसेस जो गैसेस होती है वो ब्लास्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है चैरी रेड डिस्कलेशन करवाती है और फेशियल डिस्कलरेशन करवाती है अब ब्लास्ट इफेक्ट का मतलब क्या है अब ब्लास्ट इफेक्ट का मतलब है कि सबसे पहले जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोजेक्टाइल आल गया तो जो गैस होती है जो अनबर्नड या पार्शली बर्न गैस होती है वो स्किन और सब्कोटेनियस टिश्यू के दरमियान में एकोबलेट हो जाती है और ये ब्लास्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है यानी जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के दरमियान में जो सॉरी स्किन और सब्कोटेनियस टिश्यू के दरमियान में जो स्पेस होती है वो एकोमलेट होना शुरू हो जाती है ड्यू टू एकोमुलेशन ऑफ गैस ठीक हो गया ओके okay? इसके बाद है बुलेट इसकी वजह से जो बुलेट होता है बुलेट की वजह से एब्रियन ग्रीस कॉलर होता है वर्ंड ऑफ एंट्री होता है वर्ंड ऑफ एग्जिट होता है यह हमें आपको देखने को मिलता होता है ओके ठीक है जबकि लेट, और होता है। हीट से होता है? गन फ्लेम की वजह से होता है अब इसकी वजह से स्किन की बर्निंग होती है और हेयर की सेंजिंग होती है अब जो बर्निंग होती है उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए फ्रॉम द ब्लैक रिंग जो कि स्मोक की वजह से होती है ओके जो ब्लैक रिंग होती है स्मोक पार्टिकल की वजह से होती है जबकि बर्निंग होती है वो फ्लेम की वजह से होती है कहती है, है जो फ्लेम की वजह से होती है उस वक्त मौजूद होती है जब रेंज ऑफ फायर के अंदर होता है के अंदर होता है तब क्या होगी जैसे अगर आप यहां पे देखो छह इंच के अंदर अगर फायर हुआ है तब इस केस में क्या देखने को मिलता है फ्लेम देखने को मिलता है लेकिन छह इंचिस से बिया अगर चलते आए तो जो फ्लेम होता है वो ट्रैवल नहीं कर सकता डैट इज वाई ओके तो ये क्लोज या कॉन्टेक्ट रेंज वूड में देखने को मिलता है क्लोज के अंदर क्या होता है जो राइफल होती है या वेपन होता है स्किन से कॉन्टेक्ट आता है लेकिन जो क्लॉज शॉट है उसके अंदर एट सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर को कितना कह सकते हैं एट सेंटीमीटर को टू पॉइंट फाइव से डिवाइड करो तो कितना बन जाएगा थ्री बन जाएगा थ्री इंचेस, ओके यानी क्लोज और कॉन्टेक्ट के अंदर क्या बनता है क्या चीज होती है ये फ्लेम का इफेक्ट होता है यानी स्किन की बर्निंग होती है स्किन की बर्निंग होती है जिसको बोलते हैं हीट कॉम्बेशन इफेक्ट लेकिन छः इंच से जो बियाउंड होता है वो क्या क्या होता है वो ब्लैकनिंग होती है टैटविंग होती है ब्लैकनिंग दोबारा से बता देता हूँ स्मोक पार्टिकल की वजह से होती है जबकि टैटविंग अनबर्न गर्नबर्न गर, जो गन पाउडर होता है उसकी वजह से होती है ठीक है गन पाउडर जो फाइन या कोर्स हो जाता है तो आपने इसका आ, कर लेना है रिवॉल्वर के, के केस में या फिर उन्चिस तक होती है लेकिन शॉर्ट गन के केस में ये एक फुट तक चली जाती होती है स्मोकिंग है बर्निंग है. तो से बर्निंग के अंदर जो कलर होता है वो ब्लैकिश या ग्रेइश होता है ओके सॉरी मैं उल्टा बताओ बर्निंग के अंदर जो कलर होता है वो किस नेचर का होता है चैरी ब्लैक कलर का होता है चैरी ब्लैक कलर होता है बर्निंग के केस में लेकिन स्मोकिंग के केस में कलर क्या होता है ब्लैक या ग्रेइश होता है ओके तो इस तरह आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना जो ब्लैकनिंग होती है वो तकरीबन 12 इंचेस तक मौजूद होती है तो यहाँ पर इंचेस के हवाले से बता रहे हैं तो ये 6 इंचेस हो गया और ये 12 इंचेस हो गया तो ये 12 इंचेस के अंदर मौजूद होती है ओके okay, इसके बाद है कुछ गैसेज होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है तो जो गैसेज होती है स्किन को पेनिट्रेट करने के बाद जो फ्लेम है उसके बर्निंग इफेक्ट को बढ़ा देती है ये आपको बारह इंचिस तक देखने को मिलता है इसके बाद आपको नहीं देखने को मिलता जो अनबर्न गन पाउडर होते हैं हाई स्पीड के ऊपर तो वो

कि जो राइफल के केस में सिंगल प्रोजेक्टाइल होता है जबकि बुलेट के केस में क्या होते हैं मल्टीपल पैलेट्स होते हैं ओके जो वेट होता है ये गन शॉट या स्मूथ बॉड वेपन के अंदर होता है लेकिन जो इसमें राइफल के अंदर ऐसा कुछ मौजूद नहीं होता और ये भी सिर्फ सिक्स फीट तक हमें देखने को मिलता होता है सिक्स फीट का मतलब क्या होता है सिक्स फीट का मतलब होता है एक फीट में होते हैं बारह इंचिस तो सेवेंटी टू तक का कर लो वैसे यहाँ पे नाइनटी लिखा हुआ है इसके बाद अब हम आ जाते हैं वैसे अभी ब्लास्ट इफेक्ट लिखा हुआ है जब फायरिंग होती है मुजल एंड से ठीक है और मुजल एंड को स्किन के साथ या किसी साइट के साथ रखा गया है इन शॉर्ट कॉन्टेक्ट शॉर्ट रेंज के अंदर जो गैस इवॉल्व होती है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो वो हाई प्रेशर लिबरेट करती है ड्यू टू द दम्बेशन अब वो गैस होती है स्किन और सब कुछ टिश्यू में के दरमियान एकट होना शुरू हो जाती है स्पेसिफिकली ओवर द बोनी तो ये ब्लास्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ब्लास्ट इफेक्ट में स्किन टेयर हो जाती है वुंड की एजिस इवर्टेड हो जाते हैं इम्प्रिंट एब्रियन होती है ब्लड और गन पाउडर पॉकेट की फॉर्मेशन होती है बोन्स की और गार्मेंट्स की सोलिंग होती है बोन्स में, में और है और गार्मेंट्स की इनर आस्पेक्ट लिखा हुआ है ओके अब इसके बाद कुछ कॉलर को एक्सप्लेन करते हैं जो कॉलरस होते हैं एक है एब्रियन कॉलर ठीक है को हम सिंपल कुछ बुक्स में कॉन्टियन कॉलर भी लिखा हुआ है ओके दूसरा कॉलर आपने पढ़ना है ग्रीस कॉलर या डर्ट कॉलर या को समझ रिंग भी बोलते हैं तो पहले हम पढ़ते हैं कॉलर ऑफ एब्रियन या कुछ बुक्स में कॉलर ऑफ कॉन्टीन वगैरह भी लिखा हुआ है ठीक है अब इसका मतलब क्या होता है जब प्रोजेक्टाइल किसी बॉडी के को अप्रोच करता है तो जो बॉडी की सर्फिस होती है वो कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो फिर कुछ रगड़ होगी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी यानी जब बुलेट स्किन में के साथ कॉन्टैक्ट करेगी तो जो स्किन होती है वो कुछ इसको अपोज करने की कोशिश होगी लेकिन जो बुलेट होती है वो एक्जियल स्पिन करना शुरू कर देती है यानी अपने ही एक्सिस में रोटेट करना शुरू कर देती है तो इस एक्सियल स्पिनिंग की वजह से बुलेट और स्किन का फ्रिक्शन होती है इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन होती है तो तमाम वर्ड ऑफ एंट्री के अराउंड कॉलर ऑफ एब्रियन क्रिएट हो जाता है तो इस तरह से नजर आता है वर्ल्ड ऑफ एंट्री के अराउंड मार्जिनेशन देखने को मिलती है डिपेंडिंग अपॉन एंगल ऑफ एंट्री क्या है तो ये डिफरेंट हो सकता है लाइक परपेंडिकुलर एंट्री के अंदर जो एब्रियन कॉलर होता है राउंडेड शेप होता है लाइक like, अगर आप देखो राउंडेड शेप है लेकिन अगर किसी एक्यूट एंगल या ओब्लिक फायरिंग हुई है तो इस केस में जो एब्रियन कॉलर होता है वह ओब्लिक होता है या ओवल शेप होता है ओके okay? उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इसके बाद है नेक्स्ट है ग्रीस या डर्ट कॉलर या उसको समझ रिंग भी बोलते हैं या कुछ बुक्स में इसको डर्ट कॉलर या लेट रिंग भी कहते हैं ठीक हो गया अब ये किस तरह से होता है अब जो गार्मेंट्स होती है स्किन होते हैं अब वो अपोज करने की कोशिश करते हैं बुलेट की गायरोस्कोपिक मूवमेंट को लेकिन वो बुलेट इनको परफ्यूरेट करना शुरू कर देती है तो जब बुलेट जब कपड़ों को परफ्यूरेट करने के बाद स्किन को पेनीट्रेट करती है तो बुलेट बुलेट अपने तमाम डर्ट या ग्रीस पार्टिकल को वाइप आउट कर देती है बाहर निकाल देती है ओके ये जो डर्ट और ग्रीस पार्टिकल थे ये बैरल को लुब्रिकेट करते थे जो कि बुलेट के ऊपर पड़े हुए होते हैं तो फाइनली होगा क्या इसकी वजह से जब बुलेट स्किन को और गारमेंट्स को क्या कर रही होती है पेनिट्रेट कर रही होती है तो वहां से जो स्किन और गार्मेंट होते हैं ये बुलेट के ऊपर डर्ट या ग्रीस पार्टिकल को वाइप आउट कर देती है तो इसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको ग्रीस कॉलर या डर्ट कॉलर ये आपको डिस्टेंट रेंज फायर के अंदर देखने को मिलता होता है ओके ठीक है डिस्टेंट रेंज फायरिंग के अंदर इसके बाद ऑफ एंट्री है और ऑफ एग्जिट है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है अब वोट ऑफ एंट्री और वोट ऑफ एग्जिट का एक डिफ्रेंस बनता है लाइक like अगर आप यहाँ से देखो कि वोट ऑफ एंट्री के मार्जिन इन्वर्टेड और एबलेटेड होते हैं लेकिन इसके मार्जिन इवर्टेड होते हैं अब वोट ऑफ एंट्री और वोट ऑफ एग्जिट में फर्क कर लेते हैं अगर नियर शॉट है या क्लोज कॉन्टेट है तो इस केस में जो वोट ऑफ एंट्री होता है वो स्माल होता है लेकिन अगर डिस्टेंस शॉर्ट में लार्ज होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर हिसाब उल्टा है

ओके इंटरमीडिएट okay. के अंदर क्या होगा और डिस्टेंट के अंदर क्या होगा अब कॉन्टैक्ट के अंदर जो जो होता है वेपन होता है वो सर वो सर्फिस के ऊपर अप्लाई होता है लेकिन जो क्लोज होता है वो अप्लाई होता है छः इंचज के लिए लेकिन यहाँ तो पर आठ सेंटीमीटर लिखा हुआ है जो इंटरमीडिएट होता है ओके okay, वो होता है 18 होता है, अप्लाई होता है अठारह इंचिस के लिए जो डिस्टेंट होता है ये अप्लाई होता है अठारह इंचिस से ज्यादा यानी ये स्किन के साथ कॉन्टेट है यहाँ पे आठ सेंटीमीटर लिखा हुआ है हालांकि बुक में छः इंचज लिखा हुआ है यहाँ पे थर्टी टू सिक्सटी सेंटीमीटर है बुक में इसका इसका अगर टू से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या निकलता है इसका तो उसका आंसर आप खुद कैलकुलेट कर लेना तो बुक में अठारह इंच इसका लिखा हुआ है अठारह से ज़्यादा इसका लिखा हुआ है ओके मैंने कैलकुलेट कर लिया जो सिक्सटी बनता है तो उसको बोलते हैं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर लेकिन बुक में अठारह इंचिस तो हम बुक वाले को फॉलो कर लेंगे यानी जब प्रोजेक्टाइल किसी बॉडी के साथ फर्म कॉन्टैक्ट होता है या कुछ ही इंचज अवे होता है तो इस केस में कॉन्टैक्ट वोड बनता है ओके ठीक है और दूसरी तरफ है क्लोज रेंज है क्लोज रेंज के अंदर जो मुजल का डिस्टेंस होता है सिक्स इंचिस के केस में देखने को मिलता है और इस केस में जो फ्लेम होते हैं स्मोक होता है और जो दूसरा डिस्चार्ज कंपोनेंट है वो टारगेट के सरफेस पे आ जाते हैं इंटरमीडिएट के केस में 18 इंचेस के अंदर अंदर होता है ओके तो ये जो पाउडर है वो तो डेपोजिट हो जाते हैं लेकिन जो फ्लेम है गैसेज है और स्मोक है वो नहीं आ पाती ओके और लास्ट है आ, डिस्टेंट है डिस्टेंट में कोई भी नहीं पहुँचेगा सिर्फ कॉलर बनेगा ओके okay, ठीक है तो पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं तो कॉन्टैक्ट होता है कॉन्टैक्ट वाले शॉट के अंदर जो साइज ऑफ वूंद होता है वो बुलेट से रिलेटिवली बड़ा होता है लेकिन इस केस में बुलेट के बराबर होगा इसमें बुलेट से ज्यादा बुलेट से छोटा होता है ओके okay, ठीक है इसके बाद है शेप ऑफ तो शेप ऑफ है शेप होगा अगर स्कल है इसमें सर्कुलर बाकी सब में सर्कुलर होता है ब्लो बैक इफेक्ट ब्लो बैक इफेक्ट इसमें इवर्टेड है बाकी सब में इन्वर्टेड होता है अब जो हीट के इफेक्ट है हीट के इफेक्ट है सॉलिंग इफेक्ट है कॉलर है ये कॉन्टेक्ट के अंदर और क्लोज के अंदर तो बन जाते हैं लेकिन जो हीट के इफेक्ट है ये नियर शॉर्ट के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर खत्म हो जाती है ओके okay, और डिस्टेंट के अंदर सिर्फ कॉलर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो ये टेबल आपने इस तरह से कवर करना है अगर आप डायग्राम में देख लो तो के केस में में शेप बनता बनता है में बनता है बाकी सब सर्कुलर रहता और यहाँ पे एक फिनोमिना लिखा हुआ है रेड होल फिनोमिना ठीक है ओके तो ये हो जाएगा इस टेबल को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना बाकी इसके बाद जो चीजें लिखी हुई है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रिकोशेड बुलेट है बिलियड बार्ट रिकोशेड बुलेट है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको अभी नहीं कर सकते लेकिन हम इस चीज़ को कर लेते हैं एक्सप्लोसिव एंड द बम ब्लास्ट इंजरी ओके अब बम ब्लास्ट इंजरी होती है जब बम ब्लास्ट इंजरी होती है इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी और टाइपजुरी होती है प्राइमरी के अंदर जो बम होता है वो सीधा किसी टिश्यू केपर यानी जो बम है वो सीधा किसी बॉडी के अंदर एक्सप्लोट हो जाता है यानी बम ब्लास्ट की वजह से जो प्राइमरी इंजरीज होती है या जो डायरेक्ट इंजरीज होती है ओवर प्रेशर की वजह से टिश्यू के ऊपर तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी जो एयर है वो कंप्रेसिबल होता है डेट इज वाइ जो प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी होती है उससे होता क्या है वो एयर फील्ड स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करती है लाइक लंग्स है ईयर और जी होती है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसकी इंजरी हो सकती है ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिल सकती है अगर कोई विक्टम सर्वाइव करते हैं इसके बाद है सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी अब सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी में जो एक्सप्लोइन होता है उसकी ओवर कंप्रेशन या प्रेशर की वजह से मौत नहीं होती या इंजरी नहीं होती बल्कि इसमें क्या होता है कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है यानी धमाका हुआ कोई प्रेशर लगा तो उसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई कर गया तो वो उड़ते हुए लगा तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वाली और इसके बाद है टर्शरी वाली अब उस केस में ऐसा हो सकता है कि प्रेशर की वजह से जो लोग हैं या वो उड़ते हुए कहीं और चले गए या उड़ते हुए किसी खंबे से टकरा गया इस तरह मौत हो गई इंजरी हो गया तो ये टर्शरी इंजरी के अंदर आता है और कुछ मिसलेनियस इंजरी होती है लाइक टकरा जाना किसी इंजरी होती है कोई बिल्डिंग गिर गई कोई बीम वगैरह गिर गई तो इस केस में हम इसको मिसलेनियस ब्लास्ट इंजरी के अंदर लिख देते होते हैं अब एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम वूड है इसमें क्या डिफरेंस होता है एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम के अंदर ये फर्क होता है कि जो एंटीमार्टम है इसमें आपको बेसिक वाइटल रिएक्शन देखने को मिलते हैं हेमरेज काफी ज्यादा कॉपियस होता है डीपर स्टेनिंग वाला लेकिन पोस्टमार्टम ऐसा नहीं होता जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो यानी ब्लड इसमें क्लॉट होता है इसमें ना होने के बराबर क्लॉट होता है या जो क्लॉट होता है वो पोस्टमार्टम कैटेगरी से बिलोंग करता है जो वून्ड की गैपिंग होती है इवर्जन होती है वाइटल रिएक्शन है ब्लड सेल्स है और इम्योनोटोकेमिस्ट्री सारी सारी पॉजिटिव होती है एंटीमार्टम के अंदर पोस्टमार्टम में नहीं होती अब इंजरी को लीगल आस्पाट से भी कर सकते हैं लाइक सिंपल इंजरी है इंजरी like है, है और डेंजरस इंजरी है तो सिंपल इंजरी एक्सटेंसिव नहीं नहीं होती नहीं होती सीरियस जल्दी से हील कर जाती है और कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी नहीं होती लेकिन जो डेंजरस uh, इंजरी है वो इसका ऑपोजिट होती है वो एक्सटेंसिव नहीं थी एक्सटेंसिव है ये सीरियस नहीं थी ये सीरियस होती है ये हील हो जाती है ये हील नहीं होती और इसकी वजह से कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी नहीं होती इसकी वजह से डेथ होती है लाइक गन अनशॉट इंजरी है स्कल के फ्रैक्चर है और इन दोनों के दरमियान में जो इंजरी होती है वो ग्रीवियस इंजरी के अंदर आती है इसकी भी आठ क्लासेस होती है लाइक like

बाकी जो पॉजिटिव है वो तकरीबन सेम है दोनों के केस में ओके बस ये वूंद की जो शेप है या पैटर्न है वो चेंज है लाइक सर्कुलर सर्कुलर इसमें होता है जो शॉर्ट शॉर्ट के अंदर रेड होल फिनोमिना देखने को मिलता है बाकी स्टीलेट वूंद है ओके तो इस तरह से कवर हो जाते हैं इस टेबल को भी तैयार कर लेना एन आर ए के अंदर उसको एन आर ए के अंदर जो शॉर्ट गन था और राइफल था उसके वूड में डिफरेंस उसको भी तैयार कर लेना ओके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़